हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप जीएमई कोर्स करना चाहते हैं तो बता दूं कि टीएस रहमान भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है फॉर जीएमई कोर्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका एक बार वहाँ पे चांस हो गया, फिर वही से कॉलेज में प्लेसमेंट भी होता है, प्लस बहुत सारे कंपनीज भी आते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए टीएस रहमान में, तो आपका मतलब फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर है। तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपको वो पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो उनका फॉर्म अभी अवेलेबल है, जिसका लास्ट फॉर्म का लास्ट डेट है 17 अगस्त, और इनका बैच स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, मतलब नवंबर बैच है इनका 2024 का, इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त। तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टीएस रहमान का जो लिंक दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे उनके जो फॉर्म का जो पेज है आप वहाँ पे पहुंचेंगे। फिर जीएमई का सेक्शन में जाकर आपको बस वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई ऑप्शन पे। उसके बाद का जो भी प्रोसेस है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर बाकी जो प्रोसेस आप पूरा कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो फिर बाद में आपका फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर आपका एग्जाम होगा। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको कोई लिंक मिलेगा एंड उस लिंक से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था, बिकॉज बहुत सारे को मालूम ही नहीं होता कि कब इसका फॉर्म आता है, कब फॉर्म क्लोज हो जाता है। तो जीएमई का फॉर्म अभी अवेलेबल है टीएस रहमान के लिए, आप जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, या फिर आपके जो भी दोस्त अभी जीएमई का फॉर्म फिलअप करने वाले उनसे फिर से हेल्प हो जाए। तो आज मैं इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।